अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। तो जी, आज आपको मैं गाड़ी में नज़र आ रही हूँ। बड़े अरसे बाद गाड़ी में ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। कहाँ जा रही हूँ, फाइनली थोड़ा सा टाइम मिल गया है। मैंने कहा चले जी अभी हम पिंडी चलते हैं, सदर थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। और शादी बहुत करीब आ रही है, ईद भी बहुत करीब आ रही है और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। ईद भी आ रही है, शादी भी आ रही है, दोनों चीज़ें साथ साथ आ रही हैं। और उससे पहले भी हमारा एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इवेंट आ रहा है। पहले मैं वहाँ गई हुई थी और व्लॉग मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया। मैंने कहा थोड़ा से उसके काम, उस इवेंट के काम पेंडिंग है, वो कर लूँ। और ये रे जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। ये बहुत थके हुए, इनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही। मैं पिंडी आके बड़ा वो हो जाता हूँ, तंग होता हूँ। एक्चुअली पिंडी में इतना ज्यादा रश है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। हम लोगों को आदत नहीं है, हम लोग इस्लामाबाद के इतने आदी हो चुके हैं क्योंकि शुरू से ही जाहिर से पता है इस्लामाबाद में ही है। तो वो इस्लामाबाद की रोड्स बिल्कुल मज़े की खाली खाली, पिंडी में इतना रश होता है, पता नहीं क्यों होता है। आज तक हमें समझ नहीं आई इस बात की। और इनको तो नींद आने लग गई है, हालांकि अभी शाम के 6:15 हो रहे हैं। तो बस अभी बाजार सब कुछ आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी, मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा। रश देखें आप, अभी तो थोड़ा ये काम है क्योंकि ट्रैफिक इतना चल रही है, वरना तो एक बिल्कुल साथ साथ जो है सारी ट्रैफिक लगी हुई थी। और शायद छुट्टी का टाइम, ऑफिस से वापसी का टाइम है, पता नहीं। हम पिंडी आते हैं तो हम बोर हो जाते हैं ना, कुछ खा ले। हाँ, वो पीछे से हमदान मेरे साथ आए, कह रहे हैं कुछ खा ले मम्मा। सही कह रहे हैं, जब मैं खाती रहती हूँ मैं ठीक रहती हूँ। तो जी, ये हम आ गए थे सदर। सदर जो लोग मुझे पिंडी के देख रहे हैं उनको पता है सदर पिंडी का बहुत बिजी तरीन बाज़ार है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और यहाँ पहुँचते ही हम लोग गए थे जी पहले फूड स्ट्रीट। वहाँ पे मैंने खाना तो नहीं खाया, मैंने रोल खाया, लेमन सोडा वगैरह पिया, मुझ में थोड़ी जान आई। फिर उसके बाद मैंने शॉपिंग स्टार्ट की और मैंने इतना कोई सुहाना अपना शॉपिंग का व्लॉग बनाया, मैं आपको क्या बताऊँ। यानी कि मैंने क्या ब्लंडर मारा है वो आगे चल के ही मैं आपको बताऊंगी। और मैं यहाँ आई थी केसरिया में अनाया के लिए, मैंने केसरिया से भी थोड़ी शॉपिंग की है। यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छे कैजुअल वेयर्स हैं, फॉर्मल वेयर्स हैं, मुझे बहुत पसंद है। और इंशाल्लाह तो ये शॉपिंग मेरी कम्प्लीट हो जाए, फिर मैं आपसे पूरी शॉपिंग जो है वो शेयर करूँगी। और यहाँ पर मुझे इनकी जो लाडली कलेक्शन आई है ना, बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहुत ज़्यादा अच्छी कलेक्शन आई है। अस्सलाम वालेकुम। तो जी, आपने अभी वो थोड़ा सा शॉपिंग वाला व्लॉग देखा। एकदम से मैं कैसे घर पर आ गई और एकदम से अगला दिन कैसे आ गया, हुआ कुछ यूँ था कि मैं इतनी बिजी हो गई थी, इतनी मसरूफ हो गई थी कि आपको पता ही होगा जो लोग करते हैं शॉपिंग वगैरह, जाहिर सी बात है हर कोई करता है कि जब बच्चों की चीज़ें लेनी होती हैं तो इंसान भूल जाता है कि हाँ अभी कैमरा खोलना। मेरे साथ तो यही होता, मैं अनाया और बच्चों के लड़कों की अपनी शॉपिंग में इतना बिजी हो गई। और हस्बैंड साहब, इनको तो मैं अब क्या कहूँ, इन्होंने मुझे याद भी नहीं करवाया, कुछ भी नहीं। जब अनाया का मैं ड्रेस लेके निकली हूँ शॉप से बाहर, तो मुझे कहते हैं कि आपने व्लॉग बनाया है, मैंने कहा नहीं। कहते हैं उधर बनाया था जब हम बच्चों के पेंट कोट्स और सारा ऑर्डर कर रहे थे उनके बरातों बनीने के लिए, मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं ज़बरदस्त, बहुत अच्छा होगी व्लॉगिंग आपकी, आप जैसा व्लॉगर तो कोई है ही नहीं, मतलब ऐसे होती है व्लॉगिंग। तो ये एट द एंड इन्होंने मुझे याद करवाया और मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। और जब हम घर पहुंचने लगे तो मैंने इन्हें कहा अच्छा अब खाने में क्या बना रहे हैं। तो मैंने कहा शायद कोई दिल में मेरी उम्मीद थी कि कहेंगे कि नहीं इतना थके हुए हम लोग, तुम इतना थक गई हो तो बाहर से ही ले लेंगे। कहते हैं जी बिरयानी खानी है। और फिर घर आके मैंने बिरयानी बनाई और मैंने गुस्से में कोई व्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। और ये अभी खड़े मज़े से मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं मिलवाती हूँ इनसे भी और बिरयानी भी दिखाती हूँ आपको। अभी मैं बैठी बिरयानी खा रही थी, मैं कहा चले जी मैं अपना व्लॉग भी बनाऊँ और आपसे शेयर भी करूँ। मेरी बिरयानी किसने खानी आज है, अभी थोड़ी सी पड़ी हुई है जो इस्लामाबाद में आज है बिरयानी खा रहे। और यकीन माने एमरजेंसी की बिरयानी बनी थी और बहुत मज़े की बनी थी। ये रे, हाँ जी क्या हुआ, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, व्यूअर्स ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और ये कौन से बिस्किट खा रहे हैं आप, बच्चों के टाइगर बिस्किट निकाल के खा रहे हैं, भूख लग रही है। और ये अभी इन्होंने बिरयानी खाई है और अभी इनको दोबारा भूख लग रही है, भूख लग रही, बिरयानी मैंने थोड़ी सी तो खाई थी। अच्छा, और रात को जो मेरे साथ किया आपने, बंदा कोई कैमरा पकड़ के व्लॉग बना लेता है, कोई मेरी हेल्प। आज मैं भी थक गया था ना पिंडी, आपको पता है मैं जाता हूँ ना पिंडी, मेरे से नहीं होता फिर। अब वो घूम पैदल घूम रहे थे तो वहाँ इतनी गर्मी थी। अच्छा। तो रश भी बहुत ज्यादा था, हम लोगों को इतने रश की आदत नहीं है ना। तो वो फिर वहाँ बच्चों के हमने ड्रेसेस वगैरह दे के तो हमने कुछ बनाया ही नहीं, खा पी के तो निकल आए वहाँ से। अनाया का ड्रेस दिखा दे, अनाया का ड्रेस वलीमे का बहुत जबरदस्त लिया जी, बहुत जबरदस्त।
अल्लाह पाक मेरी बेटी को पहनना नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। बहुत अच्छा ड्रेस है, वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह लाजमी। आज नहीं दिखाएंगे व्लॉग में, दिखा दे यार कोई बात नहीं, मेरी बेटी का शादी का ड्रेस है। फंक चेंज कर उसको, हम थोड़ा सा वो करवाना है साइज उसका, थोड़ा सा चेंज फिर दिखाएंगे, साइज उसका ऑल्टर करवाना है। चले गए ऑफिस और मुझे अब वही टेंशन, क्या बनाना है क्या बनाना है। अच्छा आज मैंने करनी है आप सबसे एक ज़रूरी बात, और मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी आहिस्ता आ रही होगी क्योंकि बच्चे भाई कार साहब से पढ़ रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। मेरी बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्या करनी है अभी बताती हूँ आगे आपको। अब खाना बनाने के लिए मैंने कहा मैं दाल गोश्त बना लेती हूँ आज, तो बस ये मैं फ्रीजर से भी निकाल के रखा है। और ये देखें जी, ये यहाँ पर मैगी बनेंगे अभी, कोई स्पाइसी किस्म के इनके, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। ये दो बच्चे जो है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये शरारती हैं। ये देखें कारी साहब के जाते ही कैसे टीवी ऑन हो रहा है, हालत देखें इसकी। और हमदान अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हमदान बहुत अच्छे हर टाइम पढ़ते रहते हैं, है ना हमदान। हमदान शर्माते बहुत हैं अभी, हमदान बहुत शर्माते हैं। बाहर देखते हैं, इस्लामाबाद में तो इतनी गर्मी है, दिखाती हूँ आपको अभी। बच्चों के कारे साहब जा रहे हैं, गर्मी ही है, हवा कोई ठंडी नहीं है, बस ठीक ही है मौसम। दोपहर में तो बहुत ज़्यादा थी, अभी फिर थोड़ी कम है। कारे साहब भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं अभी। तो जी मैं किचन में जा नहीं सकती, किचन में अनाया की और हुसैन की कुकिंग चल रही है अभी, ये दोनों फिर कुछ कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है हमदान रियान, तो ओहो हमदान भाई को टीवी लगा दो बेटा, हमदान की तो आवाज़ बंद हो जाती है कैमरे के सामने। तो जी खैर मेरे बच्चों की रूटीन आपने देखी, इनकी यही चलती रहती है सारा दिन, खाना खेल टीवी, खाना खेल टीवी, और पढ़ाई जो होती है वो सिर्फ 2 घंटे की होती है पूरा दिन में इनकी। तो बस ये लास्ट मंथ रह गया, इस्लामाबाद में भी वैकेशंस का इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, अगस्त से स्कूल इनके जो है वो नॉर्मल, अल्लाह करे नॉर्मल ओपन हो। ये एक दिन छुट्टी वाला इन्होंने फिर किया ना दोबारा, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे स्कूल जाने का, मतलब इतना ज़्यादा बच्चा एक दिन रूटीन में आता है, नेक्स्ट से उसकी रूटीन ख़राब हो जाती है, फिर नेक्स्ट से उसको रूटीन बनाना पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ इससे, और मदर्स का भी यही हाल है, तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी अब आ जाते हैं अपनी ज़रूरी बात की तरफ। मैं यहाँ पे बात करना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन 3-4 दिन से YouTube पर इतनी जंग छड़ी हुई है, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई किसी के लिए वीडियो बना रहा है, कोई किसी के लिए वीडियो बना रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी यार, अपना अपना कंटेंट लेकर आओ, अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं सब, इतने अच्छे अच्छे सबके चैनल्स हैं, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। मैं तो कहती हूँ जिसके 100 भी आ रहे हैं, 200 भी आ रहे हैं, 300 भी आ रहे हैं व्यूज़, जितने मर्ज़ी आ रहे हैं, उसका अपना कंटेंट है, अपना चैनल है, बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म को ख़राब मत करें, मैं गुजारिश यही है, मैं किसी की साइड पे नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म को ख़राब मत करें, आप लोग अपना अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, सब अच्छे से अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं, अपनी रूटीन दिखा रहे हैं, अपने जो जैसे कोई मेकअप दिखा रहा है, कोई हेयर दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, तो हर कोई अपना काम कर रहा है मज़े से। तो आप लोग भी अपना काम करो यार, किसी कोई किसी को मतलब ना पॉइंट आउट करे, ना किसी को तंग करे। मेरी छोटी सी गुजारिश थी, जिसको अच्छी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, जिसको नहीं पसंद आई तो माजरत, मैं आप लोगों से माजरत ही कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है। 2-3 यूट्यूबर्स जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जिनसे मेरी बात है, सब कुछ है, वो इतनी अच्छी हैं, इतनी मतलब नाइस है, और उन लोगों के बारे में वीडियोस बन रही हैं, मैंने देखा है, मैंने परसों देखा है, तो मैंने कहा यार ये यूट्यूब पे क्या हो रहा है, लोग अपनी लाइफ शेयर करने के बजाय क्या शेयर करने लग गए हैं। तो बस यार आप लोग अपनी लाइफ शेयर करो, अपना कंटेंट शेयर करो, आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है। तो ज़्यादा मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, ना मैं कोई हक रखती हूँ किसी को कुछ कहने का। तो खुश रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, और प्लीज़ मुझे फ़रा फ़ाहद ब्लॉग से नाम से इंस्टाग्राम पर ज़रूर जाके फॉलो करें, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और स्नैक वीडियो पे भी मुझे फॉलो करें। सो थैंक यू सो मच आप सबका इतना प्यार देने के लिए, और मरियम को हैप्पी बर्थडे करने के लिए वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, और जो मेरी बेटी को इतनी सारी दुआएं देते हैं, और जिन जिनको अनाया पसंद है थैंक यू सो मच, और अनाया की तरफ से भी थैंक्स। जब अनाया अपने बारे में कमेंट्स पढ़ती है तो बहुत खुश होती है, कहती मम्मा देखा मैं मुझे ये कहा जा रहा है, मुझे ये कहा जा रहा है।
तो थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अभी मैंने कहा मैं क्या आपको खाना दिखाऊँ, मैं खाना बनाऊँगी, मैं बेचारी किचन में जाऊँगी गर्मी में, तो मैंने कहा चले जी ब्लॉग कहीं पेंट करते हैं। और हाँ जी, कल मैं जा रही हूँ दोबारा शॉपिंग पे, अब मैं बच्चों के साथ जा रही हूँ और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि मैं पूरा ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। और बच्चा पार्टी और भी मेरे साथ आ रही है, मेरे किसके बच्चे मेरे साथ और जाएंगे वो आप मेरे कल के ब्लॉग में देखिएगा। तो तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।